हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपंकर। वेलकम टू फोटोग्राफी टिप्स हिंदी। यार इस वीडियो में मैं निकॉन के जेड सीरीज के मिररलेस कैमरा का यहां पे कस्टम सेटिंग्स मेनू के अंदर आपको जो जो सारे ऑप्शंस लेने को मिलता है, जैसे कि यहां पे ऑटो फोकस, मीटरिंग स्लैश एक्सपोजर, टाइमर स्लैश ए लॉक, शूटिंग स्लैश डिस्प्ले, ब्रैकेटिंग स्लैश फ्लैश कंट्रोल्स और मूवी, और इसके अंदर आपको जो जो सारे सेटिंग्स देखने को मिलता है, मैं उन सारे सेटिंग्स को एक एक करके विद प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करूंगा। बेसिकली मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ निकॉन Z6 मार्क 2, पर अगर आप निकॉन के कोई भी मिररलेस कैमरा को यूज़ करते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो, क्योंकि इन सारे मिररलेस कैमरा में जो सारे कस्टम सेटिंग्स मेनू है वो लगभग सेम ही आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे ये जो वीडियो है वो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, पर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे सेटिंग्स का टाइम स्टैम्प दे दिया है, और अब वहाँ पे जाके बहुत ही इजीली किसी भी सेटिंग्स या ऑप्शन पे जंप कर सकते हैं। तो वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स मेनू के अंदर आपको जो फर्स्ट सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो है रीसेट कस्टम सेटिंग्स। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप इन सारे कस्टम सेटिंग्स मेनू के सेटिंग्स को आप रीसेट करके फैक्ट्री डिफॉल्ट में सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टम सेटिंग्स मेनू के अंदर आपको जो फर्स्ट सब सेक्शन देखने को मिल रहा है वो है ऑटो फोकस, और इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप कैमरे का जो ऑटो फोकस ओरिएंटेड कुछ स्पेशल सेटिंग है, यहाँ पे आप उसको सेट करके आपका फोटोग्राफी को और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट सेटिंग्स आपको देखने को मिल रहा है वो है एफ सी प्रायोरिटी सिलेक्शन, और यहाँ पे इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, एक है रिलीज और जो दूसरा है वो है फोकस। तो अगर आप यहाँ पे इसको फोकस में सेट करके रखते हो तो एफ सी मोड में जब आप किसी मूविंग सब्जेक्ट को ट्रैक करके शूट कर रहे हो तब आपका कैमरा का शटर बटन को प्रेस करने पर अगर आपका सब्जेक्ट फोकस में रहता है तभी कैमरा फोटो लेगा, अगर वो आउट ऑफ फोकस कंडीशन में है तो आपका कैमरा फोटो नहीं लेगा। पर दोस्तों यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, अगर आपका कैमरा बैकग्राउंड को भी फोकस कर लेता है या कोई दूसरा ऑब्जेक्ट को भी फोकस कर लेता है तो भी आपका कैमरा शटर रिलीज करेगा, और अगर आप इसको रिलीज में सेट करके रखते हो तो एफ सी मोड में शूट करने के टाइम में जब आप शटर बटन को प्रेस करेंगे तो तुरंत कैमरा शटर रिलीज करेगा, वो नहीं देखेगा कि आपके सब्जेक्ट फोकस्ड कंडीशन में है या आउट ऑफ फोकस कंडीशन में है। यहाँ पे अगर आप इसको फोकस में सेट करके रखते हो तो एफ सी मोड में शटर बटन को प्रेस करने के बाद थोड़ा सा आपको डिले देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक फ्रेम में कैमरा देखेगा कि आपके सब्जेक्ट फोकस में है या नहीं है, तो इसलिए आपका कैमरा यहाँ पे थोड़ा सा स्लो रन कर सकता है, और यहाँ पे रिलीज में आपको कोई भी शटर लैग देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पे अब इसको रिलीज में सेट करके ही रखता हूँ। इसके बाद जो सेटिंग्स आपको देने को मिल रहा है वो है एफ एस प्रायोरिटी सिलेक्शन, और इसके अंदर भी आपको सेम दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया वही सेम चीज़ ही है, ये बस एफ एस मोड के लिए है। तो एफ सी मोड में मैं प्रायोरिटी सिलेक्शन को रिलीज पे सेट करके ही रखता हूँ, क्योंकि एफ सी मोड में हम मूविंग सब्जेक्ट को ट्रैक करते हैं और उस टाइम अगर शटर लैग होता है तो वो बहुत प्रॉब्लम की बात होता है। तो इसलिए मैं एफ सी का जो प्रायोरिटी सिलेक्शन था उसको मैं रिलीज में सेट करके रखता हूँ, पर यहाँ पे जो एफ एस मोड है इसमें हम बेसिकली स्टेडी सब्जेक्ट को शूट करते हैं, तो इसमें मैं इसको फोकस में सेट करके ही रखता हूँ, यानी कि कैमरा जब मेरा सब्जेक्ट को फोकस करेगा तभी शटर रिलीज होगा, नहीं तो शटर रिलीज नहीं होगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है फोकस ट्रैकिंग विथ लॉक ऑन। तो बेसिकली जब आप एफ सी मोड में किसी मूविंग सब्जेक्ट को ट्रैक कर रहे हो तब अगर सडनली कोई ऑब्स्टकल आपके सब्जेक्ट या कैमरे के बीच में चला आता है तो कैमरा तुरंत उस ऑब्स्टकल में फोकस कर लेता है, और उसके बाद आपका सब्जेक्ट जब उस ऑब्स्टकल से बाहर जाता है तो उसके बाद कैमरा उसमें फोकस करता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे आके ये सेट कर सकते हैं कि कैमरा आपके सब्जेक्ट पे फोकस लॉक करने के कितना टाइम बाद आपके कैमरा और आपके सब्जेक्ट के बीच में जो ऑब्स्टकल है उसमें फोकस करने का ट्राई करेगा। यहाँ पे अगर आप 5 पे सेट करते हो तो कैमरा ज़्यादा टाइम लेगा उस ऑब्स्टेकल पे फोकस करने पे, और अगर आप 1 या 2 में सेट करते हो तो कम टाइम लेगा। तो आप यहाँ पे उसको आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है फोकस पॉइंट यूज्ड, और इसके अंदर आपको दो ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑल पॉइंट्स, यानी कि अगर इसमें सेट करके रखते हो तो आपके कैमरा में अवेलेबल सारे फोकस पॉइंट यूज करने के लिए अवेलेबल रहेगा। जो सेकेंड ऑप्शन है हाफ एवरी अदर पॉइंट्स, यानी कि अगर आप इसमें सेट करके रखते हो तो आपका कैमरा में नंबर ऑफ अवेलेबल फोकस पॉइंट कम हो जाएगा, यानी कि अगर आप फोकस पॉइंट में से बहुत ही क्विकली जंप करना चाहते हो तो आप इसमें सेट करके रख सकते हो। तो मैं बेसिकली यहाँ पे ऑल पॉइंट्स पे ही रखता हूँ।
इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है स्टोर फोकस पॉइंट्स बाय ओरिएंटेशन, और इसके अंदर आपको यस और नो का ऑप्शन है। तो बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हो और जब आप डिफरेंट ओरिएंटेशन में शूट करते हो तो उस ओरिएंटेशन में आप डिफरेंट फोकस पॉइंट को यूज़ करके उस ओरिएंटेशन में स्टोर करके रख सकते हो, और अगर आप इसको नो या ऑफ करके रखते हो तो आपका सेम फोकस पॉइंट यूज़ होगा कोई भी ओरिएंटेशन में। तो मैं यहाँ पे इसको ऑन करके ही रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स देखने को मिल हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, और वो है एफ एक्टिवेशन। तो बेसिकली यहाँ पे आप कैमरा में कौन सा बटन से आप फोकस करना चाहते हो आप यहाँ से आके उसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है शटर स्लैश एफ ऑन, यानी कि आप जब शटर बटन को हाफ प्रेस करेंगे तब भी फोकस करेगा कैमरा, और एफ ऑन बटन को प्रेस करके भी आप आपका सब्जेक्ट को फोकस कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ बैक बटन यानी कि एफ ऑन बटन को फोकस करने के लिए यूज़ करते हैं तब आप इसका सेकेंड ऑप्शन में चूज करके या सेट करके रख सकते हैं। इसमें आप शटर बटन को हाफ प्रेस करके आपका सब्जेक्ट को फोकस नहीं कर पाएंगे। तो मैं बेसिकली बैक बटन फोकस ही यूज़ करता हूँ और इसको मैं एफ ऑन ओनली पे ही सेट करके रखता हूँ। दोस्तों अगर आप नहीं जानते कि बैक बटन फोकस क्या है या इसका क्या क्या एडवांटेजेस है तो इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है लिमिट एफ एरिया मोड सिलेक्शन। तो बेसिकली जब आप यहाँ पे आई बटन को प्रेस करके या कैमरा में एफ एन टू बटन और कैमरा में सब कमेंट डायल को रोटेट करके एफ एरिया मोड्स को चेंज करते हैं तब आप उसमें कौन कौन सा एफ मोड को चेंज करना या वहाँ पे रखना चाहते हो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। तो बेसिकली जो आपका फेवरेट एफ एरिया मोड्स है आप अगर उसमें सिर्फ चेक करके रखते हो तो आपको वहाँ पे सिर्फ उन सारे एफ एरिया मोड्स ही देखने को मिलेगा और आप उन सारे मोड्स में से ही चेंज कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ पे आपके हिसाब से चेक करके रख सकते हैं, या अगर आप सारे एफ एरिया मोड्स को यहाँ पे चेक करके रखेंगे तो आप वहाँ पे सारे एफ एरिया मोड्स में से चेंज या सिलेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है फोकस पॉइंट रैप अराउंड, और अगर आप इसको रैप में सेट करके रखते हो तो शूट करने के टाइम अगर आप लेफ्ट मोस्ट ऑटोफोकस पॉइंट पे है तो बस एक टैप करके आप राइट मोस्ट ऑटोफोकस पॉइंट पे स्विच कर पाएंगे, या अगर आप टॉप मोस्ट ऑटोफोकस पॉइंट पे है तो बस एक टैप करके ही बॉटम मोस्ट ऑटोफोकस पॉइंट पे स्विच कर सकते हैं। पर अगर आप नो रैप पे सेट करके रखेंगे तो आपको लेफ्ट मोस्ट फोकस पॉइंट से राइट मोस्ट ऑटोफोकस पॉइंट पे जाने के लिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो मैं इसको यहाँ पे रैप में सेट करके ही रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है फोकस पॉइंट ऑप्शंस। इसके अंदर यहाँ पे जो फर्स्ट सेटिंग्स है वो है मैनुअल फोकस मोड, और इसके अंदर आपको ऑन या ऑफ का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो मैनुअल फोकस मोड में भी आपका जो ऑटो फोकस पॉइंट है वो डिस्प्ले में या व्यू फाइंडर में विजिबल होगा, और अगर आप इसको ऑफ करके रखते हैं तो मैनुअल फोकस मोड में जो ऑटो फोकस पॉइंट है वो विजिबल नहीं होगा। यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है डायनामिक एरिया एफ असिस्ट, यानी कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो जब आप एफ सी मोड में डायनामिक एफ एरिया मोड में शूट कर रहे हैं तो आपका जो सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट है उसका जो सराउंडिंग ऑटो फोकस पॉइंट्स है वो भी आपका व्यू फाइंडर में या एलसीडी में विजिबल होगा, और अगर आप इसको ऑफ करके रखते हैं तो डायनामिक एफ एरिया मोड में जो आपका सिलेक्टेड ऑटो फोकस पॉइंट है उसका सराउंडिंग जो ऑटो फोकस पॉइंट्स है वो विजिबल नहीं होगा। तो आप इसको आपके हिसाब से ऑन या ऑफ करके रख सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है लो लाइट एफ। तो बेसिकली लो लाइट में इजीली फोकस को अचीव करने के लिए ये ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो बेसिकली कैमरा क्या करता है लो लाइट सिचुएशन में ऑटो फोकस पॉइंट को फेस डिटेक्शन से कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन में स्विच कर देता है, और कॉन्ट्रास्ट डिटेक्शन ऑटो फोकस बेसिकली लो लाइट में परफेक्ट या एक्यूरेट फोकस करने में ज़्यादा इफेक्टिव है। पर यहाँ पे एज कंट्रास्ट डिटेक्शन एफ सेंसर यूज हो रहा है तो फोकस करने में आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, पर यहाँ पे ये जो सेटिंग्स है ये सिर्फ एफ एस मोड के लिए ही अवेलेबल है। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है बिल्ट इन एफ असिस्ट इल्यूमिनेटर। तो ये भी बेसिकली एफ एस मोड के लिए ही अवेलेबल है।
और अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो जब आप लो लाइट में शूट कर रहे हैं और आपका कैमरा का शटर बटन को हाफ प्रेस कर रहे हैं तो फोकस को असिस्ट करने के लिए कैमरा में अवेलेबल जो फोकस्ड असिस्ट इल्यूमिनेटर लैम्प है वो जल जाएगा और आपका सब्जेक्ट को क्विकली फोकस करने में हेल्प करेगा। पर अगर आप इसको ऑफ करके रखते हैं तो वो फोकस्ड असिस्ट इल्यूमिनेटर लैम्प नहीं जलेगा। पर अगेन ये AF-S मोड के लिए ही अवेलेबल है और यह जब आपका सब्जेक्ट आपके करीब है तभी ये ठीक ठाक से काम करता है। तो ये आप आपके हिसाब से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो फोकस के बाद आपको देखने को मिलता है मीटरिंग स्लैश एक्सपोजर और इसके अंदर भी आपको चार ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मीटरिंग स्लैश एक्सपोजर के अंदर जो फर्स्ट सेटिंग्स है वो है ईवी स्टेप्स फॉर एक्सपोजर कंट्रोल। तो बेसिकली जब आप आपके कैमरे में शटर स्पीड एपर्चर या ब्रैकेटिंग को इंक्रीज या डिक्रीज करते हो तो वो जो इंक्रीमेंट का या डिक्रीज करने का जो स्टेप है उसको आप यहाँ से 1/3 स्टेप या हाफ स्टेप में से चूज कर सकते हो। तो ये बेसिकली आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है इजी एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन। तो बेसिकली अगर आप इसको ऑन या ऑन ऑटो रीसेट पे सेट करके रखते हैं तो आपको एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को चेंज करने के लिए ये जो एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन का प्लस माइनस बटन है उसको प्रेस करना नहीं पड़ेगा। अब बस कैमरा का मेन कमांड डाल कर रोटेट करके ही एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे ऑन ऑटो रीसेट का मतलब जब आप इसमें सेट करके रखेंगे और कैमरा को ऑफ कर देंगे तो आपका कैमरा का एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन रीसेट हो जाएगा और यहाँ पे अगर आप ऑफ करके रखेंगे तो एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को चेंज करने के लिए आपको उस एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन बटन को प्रेस करके ही उसको चेंज करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है सेंटर वेटेड एरिया। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप सेंटर वेटेड मीटरिंग मोड में जो एरिया है जिसमें कैमरा ज़्यादा प्रेफरेंस देगा उस एरिया को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। तो मैं इसको 12mm पे ही रखता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है फाइन ट्यून ऑप्टिमल एक्सपोजर। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप आपके कैमरा के हर एक मीटरिंग मोड का जो ऑप्टिमल एक्सपोजर है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीटरिंग स्लैश एक्सपोजर के बाद आपको टाइमर स्लैश ई लॉक का सेक्शन देखने को मिल रहा है और इसके अंदर आपको तीन सेटिंग्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे टाइमर स्लैश ई लॉक के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो है शटर रिलीज बटन ई लॉक, यानी कि शटर रिलीज बटन को आप ऑटो एक्सपोजर लॉक करने में किस तरह से यूज करना चाहते हो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ऑन हाफ प्रेस, यानी कि जब आप आपका शटर रिलीज बटन को हाफ प्रेस करके होल्ड करके रखेंगे तभी कैमरा जो ऑटो एक्सपोजर है उसको लॉक करके रखेगा। यहाँ पे ऑन ब्रस्ट मोड, यानी कि जब आप ब्रस्ट मोड में शूट कर रहे हैं यानी कि शटर बटन को फुल्ली प्रेस करके रखे हो तभी कैमरा एक्सपोजर को लॉक करके रखेगा। और यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन है, तो ये आप आपके ज़रूरत के हिसाब से चूज कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है वो है सेल्फ टाइमर। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप एक टाइम सेट कर सकते हैं और शटर बटन को प्रेस करने के बाद आपका सेट किया हुआ उस टाइम के बाद शटर क्लिक होगा यानी कि फ़ोटो उठेगा। और यहाँ पे सेल्फ टाइमर मोड में आप उस टाइम के बाद कितना शॉट्स लेना पसंद करेंगे आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप मल्टीपल शॉट्स लेते हैं तो एक शॉट लेने के कितना टाइम बाद कैमरा दूसरा शॉट्स लेगा वो भी आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो है पावर ऑफ डिले। और यहाँ पे आके आप डिफरेंट सिचुएशन में जो पावर ऑफ का डिले टाइम है आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेबैक, मेन्यूज, इमेज रिव्यू, स्टैंड बाई टाइमर, इन चार सिचुएशन में आप अलग अलग पावर ऑफ डिले टाइम को आप सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टाइमर स्लैश एई लॉक के बाद आपको शूटिंग स्लैश डिस्प्ले का सेक्शन देखने को मिल रहा है और इसके अंदर आपको बहुत सारा सेटिंग्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे शूटिंग स्लैश डिस्प्ले के अंदर आपको जो फर्स्ट सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो है CL मोड शूटिंग स्पीड। तो बेसिकली CL यानी कि कंटिन्यूस लो शूटिंग मोड में आप कितना FPS में शूट करना चाहते हो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो है मैक्स कंटिन्यूस रिलीज। तो बेसिकली जब आप कंटिन्यूस शूटिंग मोड में शूट कर रहे हो तो एक सिंगल बर्स्ट कंटिन्यूस रिलीज मोड में जब आप शटर बटन को प्रेस करके रखेंगे तो कैमरा कितना मैक्सिमम शॉट्स लेगा आप यहाँ से आके उसको 1 से 200 के बीच में चूज कर सकते हैं।
यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है सिंक रिलीज मोड ऑप्शंस। तो बेसिकली अगर आप कोई वायरलेस रिमोट कंट्रोलर से शटर को क्लिक कर रहे हो तो उस रिमोट कंट्रोलर का शटर बटन को कैमरा के शटर से सिंक्रोनाइज करने के लिए आप इस ऑप्शन पे सिंक पे सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है एक्सपोजर डिले मोड। तो बेसिकली जब आप बहुत ही कम शटर स्पीड में कोई लॉन्ग एक्सपोजर फोटोग्राफी कर रहे हो, जिस टाइम शटर बटन को प्रेस करने के टाइम थोड़ा सा भी कैमरा से आपका इमेज को ब्लर कर सकता है या आपका इमेज को खराब कर सकता है, उस टाइम आप यहाँ पे इस एक्सपोजर डिले मोड पे आके शटर बटन को प्रेस करने के कितना टाइम बाद एक्चुअल शटर रिलीज होगा आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आप जितना टाइम सेट करेंगे शटर बटन को प्रेस करने के उस टाइम के बाद शटर रिलीज होगा, इसमें जो शटर रिलीज करने के टाइम कैमरा शेक होता है वो नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है शटर टाइप। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप क्या मैकेनिकल शटर को यूज़ करना चाहते हो या क्या इलेक्ट्रॉनिक शटर को यूज़ करना चाहते हो यहाँ पे आके वो चूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप ऑटो पे सेट करके रखते हैं तो कैमरा ऑटोमेटिकली डिसाइड करेगा कि कौन सा शटर कैमरा यूज़ करेगा, और यहाँ पे आप आपके हिसाब से मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक शटर में से चूज कर सकते हो। यहाँ पे मैक्सिमम शटर स्पीड आपको इलेक्ट्रॉनिक शटर पे ही मिलता है। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है एक्सटेंडेड शटर स्पीड एम, यानी कि अगर आप मैनुअल मोड में जो मिनिमम शटर स्पीड का रेंज है उसको आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप इस ऑप्शन को ऑन करके रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है लिमिट सिलेक्टेबल इमेज एरिया। तो बेसिकली शूट करने के टाइम जब आप आई बटन को प्रेस करके चूज इमेज एरिया ऑप्शन पे जाते हो तो आप उस जगह कौन कौन सा ऑप्शंस एक्चुअली आप देखना पसंद करोगे आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है फाइल नंबर सीक्वेंस। तो बेसिकली आप आपके इमेज का फाइल नंबर सीक्वेंस को किस तरह से रखना पसंद करोगे आप यहाँ से आके उसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑप्शन अगर आप ऑन पे सेट करके रखते हो तो जब आप आपके कैमरा में प्रेजेंट एसडी कार्ड को फॉर्मेट कर देते हो या उसका फोल्डर को डिलीट कर देते हो या कोई नया एसडी कार्ड को इंसर्ट करते हो तो उस नया एसडी कार्ड या नया फोल्डर या उस फॉर्मेटेड एसडी कार्ड में फिर से आपका जो फोटो आप खींचेंगे उसका जो फाइल नंबर सीक्वेंस है वो कंटिन्यू होगा आपका लास्ट इमेज का फाइल नंबर से। और यहाँ पे अगर आप इसको ऑफ पे सेट करके रखते हो तो जब आप आपके कैमरा में नया को एसडी कार्ड को इंसर्ट करेंगे या एसडी कार्ड को फॉर्मेट करेंगे तो जो फाइल नंबर का सीक्वेंस है वो रीसेट होकर 0001 हो जाएगा। और यहाँ पे आपको रीसेट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इसको आप ऑन पे सेट करके ही रखिए। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है अप्लाई सेटिंग्स टू लाइव व्यू, और इसके अंदर आपको ऑफ या ऑन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर आप इसको ऑन करके रखते हैं तो जब आप लाइव व्यू का फोटो मोड में आप जब व्हाइट बैलेंस पिक्चर कंट्रोल या एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को कंट्रोल या चेंजेस कर रहे हैं तब वो आपका सब्जेक्ट में या आपका सीन में किस तरह से इफेक्ट कर रहा है वो आप लाइव व्यू में देख पाएंगे अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं, और अगर आप इसको ऑफ करके रखेंगे तो आप वो नहीं देख पाएंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पे इसको ऑन करके ही रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है फ्रेमिंग ग्रिड डिस्प्ले। तो बेसिकली आप इस ऑप्शन को ऑन करके आपका व्यू फाइंडर व्यू में या मॉनिटर में एक ग्रिड को ऐड कर पाएंगे जो कि आपका सब्जेक्ट को फ्रेम करने में या कंपोज करने में आपको हेल्प करेगा। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है फोकस पीकिंग। तो बेसिकली जब आप मैनुअल मोड में शूट कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को ऑन करके आप आपके सब्जेक्ट का जो फोकस एरिया है वहाँ पे आपको एक कलर हाइलाइटेड इंडिकेशन आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप पिकिंग लेवल को चूज करके उस हाइलाइट का सेंसिटिविटी को आप सेट कर सकते हैं और वो जो हाइलाइट का कलर है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं मैनुअल मोड में शूट करने के टाइम। और इसके बाद जो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है वो है व्यू ऑल इन कंटिन्यूअस मोड। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप ये चूज़ कर सकते हैं कि कंटिन्यूअस या ब्रश शूटिंग मोड में आप इमेज रिव्यू को अलाउ करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ करके रखते हैं तो ब्रश मोड में आपका मॉनिटर आपका जो मॉनिटर डिस्प्ले है वो तो बंद ही रहेगा पर जो मॉनिटर बैकलाइट है वो भी ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे शूटिंग स्लैश डिस्प्ले के बाद आपको ब्रैकेटिंग स्लैश फ्लैश का सेक्शन देखने को मिलता है, और इसके अंदर भी आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ब्रैकेटिंग स्लैश फ्लैश के अंदर आपको जो फर्स्ट सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो है फ्लैश सिंक स्पीड।
तो बेसिकली जब आप फ्लैश यूज़ कर रहे हो तो कैमरा कितना मैक्सिमम शटर स्पीड को यूज़ करेगा आप यहाँ से इन सारे ऑप्शंस में से एक चूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो मैक्सिमम ऑप्शन है 1:200 सेकेंड ऑटो, तो मैं यहाँ पे इसको इसमें ही सेट करके रखता हूँ। इसके बाद जो सेकेंड ऑप्शन है फ्लैश शटर स्पीड, यानी कि फ्लैश यूज़ करने के टाइम आप कितना मिनिमम शटर स्पीड को कैमरा यूज़ करेगा आप यहां से उसको सेट कर सकते हो। तो मैं यहां पे इसको भी 1:60 सेकेंड में ही रखता हूं। इसके बाद यहां पे जो सेटिंग्स है वो है एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन फॉर फ्लैश। इसके अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है एंटायर फ्रेम, तो बेसिकली अगर आप इसको एंटायर फ्रेम में सेट करके रखते हैं तो आपका कैमरा बोथ फ्लैश लेवल और एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को एडजस्ट करेगा आपके एंटायर फ्रेम में। और यहाँ पे जो बैकग्राउंड ओनली ऑप्शन है इसमें सेट करके आप सिर्फ बैकग्राउंड के लिए फ्लैश लेवल और एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को एडजस्ट करा सकते हैं। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है ऑटो फ्लैश आईएसओ सेंसिटिविटी कंट्रोल, और इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एक है सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड और जो सेकंड है वो है सब्जेक्ट ओनली। तो अगर आप इसका फर्स्ट ऑप्शन सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड पे सेट करके रखते हो तो जब आप ऑटो आईएसओ में फ्लैश को यूज करोगे तब आपका कैमरा आपका सब्जेक्ट और आपका बैकग्राउंड दोनों का ही लाइटिंग को प्रायोरिटी देगा आपका ऑटो आईएसओ को सेट करने के लिए। और जो सेकेंड ऑप्शन है अगर आप सब्जेक्ट ओनली पे सेट करके रखते हैं तो आपका कैमरा सिर्फ सब्जेक्ट को ही प्रायोरिटी देगा आईएसओ को सेट करने में। तो ये आप आपके हिसाब से सेट करके रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है मॉडलिंग फ्लैश। तो अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हो तो फ्लैश यूज़ करने के टाइम जब आप आपके कैमरा में प्रीव्यू बटन को प्रेस करेंगे तो आपका कैमरा ज़ोर से फ्लैश करेगा। तो ये बेसिकली आपका फ्लैश इफेक्ट को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। मैं इस ऑप्शन को ऑफ करके ही रखता हूँ। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है ऑटो ब्रैकेटिंग मोड एम। तो बेसिकली अगर आप फ्लैश ब्रैकेटिंग कर रहे हो तो कौन कौन सा सेटिंग्स आप एक साथ ब्रैकेट करना चाहते हो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस देखने को मिल रहा है, तो ये आप आपके हिसाब से सेट या सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है ब्रैकेटिंग ऑर्डर। तो बेसिकली जब आप फ्लैश ब्रैकेटिंग या एक्सपोजर ब्रैकेटिंग या वाइट बैलेंस ब्रैकेटिंग कर रहे हो तो आपको जो डिफरेंट एक्सपोजर का इमेज आपको मिलता है उस इमेज के ऑर्डर आप किस तरह से रखना चाहते हो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। तो जो फर्स्ट ऑप्शन है एमटीआर अंडर और ओवर, यानी कि आपको पहले जो नॉर्मल एक्सपोज इमेज है वो देखने को मिलेगा, उसके बाद अंडर एक्सपोज इमेज और उसके बाद ओवर एक्सपोज इमेज। और यहाँ पे जो सेकेंड ऑप्शन है उसमें आपको पहले अंडर एक्सपोज इमेज देखने को मिलेगा, उसके बाद नॉर्मल एक्सपोजर और उसके बाद ओवर एक्सपोज। तो आप ये आपके हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्रैकेटिंग स्लैश फ्लैश के बाद आपको कंट्रोल्स का सेक्शन देखने को मिल रहा है, और इसके अंदर आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेटिंग्स देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर आपको जो फर्स्ट सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो है कस्टमाइज आई मेन्यू, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। बेसिकली यहाँ पे आके आप आपके कैमरा में आई मेन्यू को प्रेस करके जो जो सारे सेटिंग्स को आप एक्सेस करते हो उसमें आप कौन कौन सा सेटिंग्स को देखना पसंद करोगे आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। तो बेसिकली आप आई मेन्यू में आपका जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स जो कि आप रेगुलरली यूज़ करते हो या जो कि आपके लिए यूज़फुल है आप उन सारे सेटिंग्स को यहाँ पे सेट करके रख सकते हो। कंट्रोल्स के अंदर आपको जो सेकेंड ऑप्शन देने को मिल रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है कस्टम कंट्रोल्स। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप आपके कैमरा का और निकॉन के जेड सीरीज के लेंस का जो बटन का फंक्शन है वो आप आपके हिसाब से असाइन कर सकते हो। तो बेसिकली ये आप आपके ज़रूरत के हिसाब से या आपके फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से आपके हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है ओके बटन। तो बेसिकली फोटो शूटिंग मोड में आप ओके बटन को किस काम में यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ से उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है शूटिंग मोड, यानी कि जब आप शूटिंग मोड में हो तब आप इस ओके बटन को किस काम में यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। जैसे कि आप ओके बटन को सिलेक्ट सेंटर फोकस पॉइंट को यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि आप जब ओके बटन को प्रेस करेंगे तो आपका फोकस पॉइंट सेंटर पे चला आएगा। यहाँ पे आप ओके बटन को जूम इन और जूम आउट के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और यहाँ पे नान का ऑप्शन है। और जो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है वो है प्लेबैक मोड, यानी कि जब आप इमेज को प्ले कर रहे हो उस टाइम आप इस ओके बटन को किस काम में यूज़ करना चाहते हो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे प्लेबैक करने के टाइम ओके बटन को प्रेस करके थंबनेल ऑन या ऑफ कर सकते हो, आप यहाँ पे इमेज को प्ले करने के टाइम ओके बटन को प्रेस करके हिस्टोग्राम भी देख सकते हो,
आप यहाँ पे इमेज रिव्यू करने के टाइम ओके बटन को प्रेस करके जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हो और यहाँ पे ओके बटन को प्रेस करके चूज फोल्डर भी कर सकते हो। तो ये बस आपके हिसाब से या आपको जो अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है शटर स्पीड, एपर्चर, लॉक। और इसके अंदर आपको दो ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जो फर्स्ट ऑप्शन है शटर स्पीड लॉक, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हो तो मैनुअल मोड में और शटर प्रायोरिटी मोड में आपका गिवन शटर स्पीड को कैमरा लॉक करेगा। और अगर आप एपर्चर लॉक को ऑन करके रखते हो तो एपर्चर प्रायोरिटी मोड में और मैनुअल मोड में आपका गिवन एपर्चर को कैमरा लॉक करके रखेगा। तो ये आपके ज़रूरत के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है कस्टमाइज कमांड डायल्स। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप डिफरेंट ऑपरेशन में आपका जो कैमरा का जो मेन कमांड और सब कमांड डायल है उसको आप कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है रिवर्स रोटेशन। तो बेसिकली आप कमांड डायल का जो आउटपुट है उसको आप यहाँ से आके रिवर्स कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप इसका सेकेंड ऑप्शन शटर स्पीड और एपर्चर में सेट करके रखते हो तो बेसिकली हम जब मेन कमांड डायल को राइट की तरफ रोटेट करते हैं तब शटर स्पीड ज़्यादा होता है और लेफ्ट की तरफ जब आप रोटेट करते हैं तो शटर स्पीड कम होता है। पर अगर आप इसमें सेट करके रखते हैं तो जब आप लेफ्ट की तरफ रोटेट करेंगे तो शटर स्पीड ज़्यादा होगा और जब आप राइट की तरफ रोटेट करेंगे तो शटर स्पीड कम होगा। कि इसी तरह आप एक्सपोजर कॉम्पेंसेशन को भी ऐसे सेट कर सकते हैं। मैं इस ऑप्शन को यूज़ नहीं करता हूं। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है चेंज मेन स्लैश सब। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप जो मेन कमेंट और जो सब कमेंट डायल का काम है उसको आप इंटरचेंज कर सकते हैं। तो मैं इसको भी यूज़ नहीं करता हूँ। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है मेन्यूज एंड प्लेबैक। तो बेसिकली प्लेबैक करने के टाइम अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो कैमरा का मेन कमेंट डायल से ही आपका इमेज को चेंज या नेक्स्ट इमेज में स्विच कर सकते हैं। तो मैं इस ऑप्शन को ऑन करके रखता हूं। और यहाँ पे जो फोर्थ सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो है सब डायल फ्रेम एडवांस। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली प्लेबैक करने के टाइम आप सब कमेंट डायल को किस काम में यूज करना चाहते हो आप यहाँ पे आके उसको सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर इसका फर्स्ट ऑप्शन 10 फ्रेम्स में सेट करके रखते हो तो इमेज रिव्यू करने के टाइम जब आप सब कमेंट डायल को रोटेट करेंगे तो आपका 10 फ्रेम जंप होके आपका जो इमेज या वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक इसी तरह आप यहाँ पे 50 फ्रेम्स या बाई रेटिंग या प्रोटेक्ट इमेज स्टील इमेजेस ओनली मूवीज ओनली, तो आप यहाँ पे आपके हिसाब से कोई भी ऑप्शन या कोई भी उस इमेज में आप जंप कर सकते हैं जो आप यहाँ पे सेट करके रखेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो है रिलीज बटन टू यूज़ डायल। तो एज ए एग्जांपल हम जब आईएसओ को चेंज करते हैं तो हम आईएसओ बटन को प्रेस करके उसके बाद कैमरा का मेन कमांड डायल को रोटेट करके आईएसओ को चेंज करते हैं। पर अगर आप यहाँ पे रिलीज बटन टू यूज़ डायल ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो आईएसओ या कोई भी सेटिंग्स को चेंज करने के टाइम आपको उस बटन को प्रेस करके होल्ड करके रखना नहीं पड़ेगा। अब बस आईएसओ या डिफरेंट कोई सेटिंग्स को चेंज करने के लिए उस बटन को प्रेस कीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए और उसके बाद मेन कमांड डायल को रोटेट करके अपना जो सेटिंग्स है उसको एडजस्ट कर लीजिए और उसके बाद फिर से आपको आईएसओ या उस बटन को प्रेस करना पड़ेगा। तो इस ऑप्शन को मैं ऑफ करके ही रखता हूँ। इसके बाद जो ऑप्शन है वो है रिवर्स इंडिकेटर। तो बेसिकली यहाँ पे आके आप जो एक्सपोजर मीटर का इंडिकेटर है उसको आप रिवर्स कर सकते हैं। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है रिवर्स रिंग फॉर फोकस। तो बेसिकली अगर आप इस ऑप्शन को ऑन करके रखते हैं तो आपका निकॉन का जेड सीरीज का लेंस का जो फोकस रिंग है उसका रोटेशन आउटपुट को आप रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को भी ऑफ करके ही रखता हूँ। यहाँ पे कंट्रोल्स के अंदर जो लास्ट सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो है असाइन MBN11 बटन्स। तो बेसिकली अगर आप निकॉन का MBN11 बैटरी ग्रिप को यूज़ कर रहे हैं तो आप उस बैटरी ग्रिप का जो FN बटन है और जो AF ऑन बटन है और जो मल्टी सिलेक्टर है उसको आप आपके हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंट्रोल्स के बाद आपको जो सेक्शन देखने को मिल रहा है वो है मूवी। और इसके अंदर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम बहुत सारे एडवांस कस्टमाइज का ऑप्शन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे मूवी के अंदर आपको जो फर्स्ट सेटिंग्स देखने को मिल रहा है वो है कस्टमाइज आई मेन्यू। तो बेसिकली
जब आप मूवी रिकॉर्डिंग मोड में है तब आप आई बटन को प्रेस करके जो जो सेटिंग्स को आप सामने एक्सेस करना चाहते हो आप यहां से उसको सेट कर सकते हो। तो ये आप आपके ज़रूरत के हिसाब से या आप जिन जिन सेटिंग्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं या जो जो सेटिंग्स आपके लिए यूज़फुल है आप यहां पे उसको सेट करके रख सकते हैं आपके हिसाब से। इसके बाद यहाँ पे जो सेटिंग्स है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है कस्टम कंट्रोल्स। बेसिकली फोटो शूटिंग मोड के जैसा वीडियो शूटिंग मोड में भी आप डिफरेंट बटन्स को या आपका जेड सीरीज़ के कैमरा के बटन्स को आप आपके हिसाब से या आपके ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं और यहाँ पे जो जो सारे बटन लिस्टेड है उस बटन को आप आपके हिसाब से असाइन कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे वीडियो शूटिंग मोड में आप ओके बटन को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ओके बटन को एज ए सिलेक्ट सेंटर फोकस पॉइंट को यूज़ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप जूम इन आउट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप रिकॉर्डिंग मूवीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हो और यहाँ पे नॉन का ऑप्शन है तो ये भी आप आपके हिसाब से सेट कर सकते हो। यहाँ पे इसके बाद जो सेटिंग्स है वो है एफ स्पीड। तो बेसिकली आप वीडियो रिकॉर्डिंग मोड में जो एफ स्पीड है उसको आप फास्ट या स्लो कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को डिफ़ॉल्ट में ही लगता हूँ। इसके बाद जो सेटिंग्स है वो एफ ट्रैकिंग सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे आके आप वीडियो मोड में जो एफ ट्रैकिंग का सेंसिटिविटी है उसको आप लो या हाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन बेसिकली काम में आता है जब आपका सब्जेक्ट आपका फोकस प्लेन से दूर या पास आ जाता है या के सब्जेक्ट या कैमरा के बीच में कोई ऑब्स्टकल चला आता है तब ये ऑप्शन आपको काम में आता है और आप इसको आपके हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद जो ऑप्शन है वो है हाईलाइट डिस्प्ले। तो बेसिकली वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम आपका सीन का जो हाईलाइट पोर्शन है उसमें अगर आप कोई इंडिकेटर देखना पसंद करोगे तो आप यहाँ पे आके इस ऑप्शन को ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे दोनों पैटर्न का आपका ऑप्शन है, आप आपके हिसाब से यहाँ पे चूज़ कर सकते हो और यहाँ पे आपका ऑप्शन है और यहाँ पे हाईलाइट डिस्प्ले का जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है उसको भी आप यहाँ से सेट कर सकते हो। और इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है असाइन MB N11 बटन। तो बेसिकली फोटो के जैसा वीडियो मोड में भी आप अगर कोई निकॉन का MB N11 बैटरी ग्रिप को यूज़ कर रहे हो तो उसका बटन को भी आप यहां से कस्टमाइज़ कर सकते हो वीडियो रिकॉर्डिंग करने के टाइम। तो यहां पे वीडियो आपको कैसा लगा उसका फीडबैक्स नीचे कमेंट पे ज़रूर देना। अगर आपका कोई भी सवाल है आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। अगर आप चाहें तो मुझे फेसबुक या इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसमें बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।